दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। कोरोना महामारी के संकट के समय में के सरकार से प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार और राजस्थान मुख्यमंत्री महोदय को पत्र द्वारा अवगत कराया है कि वाहन चालकों को 10,000 रुपये प्रति माह की सरकार सहायता दे, गाड़ी मालिकों को 12 महीने यानी 1 साल के लिए जो लोन ले रखे हैं उनको ब्याज मुक्त किया जाए और उनके टैक्स वगैरह माफ़ किए जाए। ये सरकार को हमने पत्र द्वारा निवेदन किया है, राज्य सरकार को और भारत सरकार को, परंतु अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। और अगर जवाब नहीं आते हैं तो इस पर हम लोगों को पूरे भारतवर्ष के इन टैक्सी चालकों को या वाहन चालकों को एक राय हो करके हमको भी विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। स्थिति खराब हो रही है, स्थिति इतनी भयंकर खराब हो रही है कि आदमी भुखमरी के कगार पर खड़े हैं और कई जगह टैक्सी चालकों ने आत्महत्या तक कर ली है। जो अखबारों के द्वारा, मीडिया के द्वारा प्रकाशित वो जानकारी हम लोगों को मिली है, तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जब सभी गरीबों की तरफ आपका ध्यान है तो हमारी अनदेखी क्यों की जा रही है? क्या कसूर है हमारा? क्या हम लोग अपनी ईमानदारी से सेवाएं देते हैं देश को? परंतु दुर्भाग्य कि देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी ओर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और पुनः इनसे निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को देखते हुए और उनको मंजूर करें। मैं श्रीनाथ पाठक, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन। वैसे भी नहीं जा रही हो क्योंकि गाड़ी तो हम शुरू, ये इक्का दुक्का है अभी तो जाओ का ही मतलब है, परमिशन लगाओ और 5 दिन तो परमिशन ही नहीं होगा। परमिशन पे जा रही हो तो परमिशन एक लगवा, 5 दिन तक तो आओ नहीं, कोई ना कोई कमी निकालो, कोई ना कोई कमी निकालो।